मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, वहीं जनता इंतजार कर रही है उम्मीदवारों के नामों की। और अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट कब आएगी? जी हां, बीजेपी की दूसरी लिस्ट कब आएगी इसके बारे में जानकारी मिल गई है। कब तक आएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट, क्यों हो रही है बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने में देरी, विस्तार से आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और इसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। पहली लिस्ट 39 उम्मीदवारों के नामों के साथ बीजेपी ने जारी कर दी। माना जा रहा था कि बहुत जल्दी दूसरी लिस्ट भी बीजेपी के सामने आ जाएगी। पिछले दिनों दर्शकों को बता दें, दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी जिसमें इस पर मंथन किया गया कि दूसरी लिस्ट में कौन सी विधानसभा सीटें होंगी और कौन कौन के नाम इसमें, किस उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल होंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को चेयर किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बड़े चेहरे मध्य प्रदेश बीजेपी के इस मीटिंग में मौजूद थे। वहीं अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, उसके बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट आना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट अब पीएम नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर के भोपाल दौरे के बाद आने की संभावना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद से सूची का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि इस बार बीजेपी प्रबंधन और प्रचार के लिए नई रणनीति बनाने पर काम कर रहा है। लाडली बहना योजना से लेकर जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन से पार्टी आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है। वहीं बता दें कि प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा न की गई हो, तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन बीजेपी अपनी लिस्ट सामने लाने में देरी नहीं कर रही है। 39 सीटों पर पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, वो सीटें जहां पर बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है। वहीं माना जा रहा है कि जो दूसरी लिस्ट होगी वो उन सीटों को लेकर होगी जहां पर बीजेपी पिछला चुनाव हारी थी, यानी कि अपनी हारी हुई सीटों पर फोकस करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है ताकि जीत का रास्ता तय कर लिया जाए। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट का आता पता नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी लिस्ट को लाने में देरी नहीं कर रही है। नई रणनीति बीजेपी ने अख्तियार की है। अब देखना होगा कि 25 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कितनी जल्दी दूसरी लिस्ट बीजेपी की आती है। जैसे ये लिस्ट आएगी सबसे पहले एमपी तक अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।